चन्नन की टिकटों की उफड़े हुई 1,40,000 रुपए की वो दे दूंगा आपको। जब आवाम पे पी आई है इमरान खान का नाम ना चुकी साडे को नून लीडर जैसे जान नाल चन्नन की टिकटा मिलनगियां ते वोट देने तो तेनु बंदा डुब के ना मर जावे। आपको व्यूअर्स मैं आपका होस्ट सिटी पार्ट इंडिपेंडेंट पाकिस्तान से व्यूअर्स मैं इस वक्त NA 135 लोड में मौजूद हूँ। आपने सुना होगा की ये वो इलाका है जहाँ से नून लीग की तरफ से होंडो की उफड़े हुई और चन्नन की टिकटों की उफड़े हुई और प्लाटो की उफड़े हुई। तो आज हम इस इलाके में मौजूद है और लोगों से पूछेंगे कि वो वोट किसको डालेंगे और उनको क्या क्या ऑफर हुई है। तो भी वोट मेरे साथ जुड़े रहे। बिना इलेक्शन होते तो वोट किसको डालेंगे? नवाज शरीफ। क्या वजह? उसकी वजह ये है कि वो जब भी आते हैं महंगाई कम होती है, ठीक है, और काफी चीजें सहूलतें अच्छा। आवाम के हवाले से होते हैं। अच्छा मेरी बात सुने, आप पक्की नून लीग की तरफ है? हाँ जी बिल्कुल। मैं अगर आपको ऑन दी स्पॉट 20,000 रुपए की ऑफर कराऊँ की आपने इमरान खान को वोट डालना है तो आप क्या कहती है? बिल्कुल भी नहीं। 30,000? बिल्कुल भी। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच कह रहा हूँ। ये हमारे चैनल की तरफ से इंडिपेंडेंट पाकिस्तान की तरफ से ऑफर है। नहीं, 40,000 दे दूंगा आपको। बिल्कुल भी नहीं। 50,000 भी नहीं। मैं 50,000 दे दूंगा आपको। नाम को वोट डालेंगे? नो। 60,000? नहीं। 70 मेरी वहाँ खड़ी है, 1,40,000 रुपए की वो दे दूंगा आपको। नहीं, वोट डालेंगे इमरान को? हम नवाज शरीफ को ही डालेंगे। बता बताए फिर क्यों डालेंगे? वो आवाम के साथ होते हैं हमेशा। ठीक है, कहाँ होते हैं? वो तो लंदन में होते हैं। उन्होंने हमेशा आवाम के लिए ही सोचा। वो तो लंदन में होते हैं। चाहे वो लंदन में होते हैं। जब आपके जब आवाम पे पी आई है तो वो लंदन में है। चाहे वो लंदन में, लेकिन माहौल काफी पाकिस्तान का सूरत हाल काफी ठीक हो जाए। आपने वोट अब नून लीग को डाला है? बिल्कुल पक्की बात है। नवाज शरीफ को के आप प्लीज और भी आवाम के लिए ना, नौकरियों के लिए और जैसे आवाम के मदद कर दे और भी करें, हमें सपोर्ट करें। मियां साहब का मैसेज दिया आपने? बिल्कुल। थैंक यू सो मच। मेरा नाम अब्बास अली है। अब्बास अली साहब किन वोट पाओगे? वोट पाने ने नवाज शरीफ नु। पक्की गल है? पक्की गल है। पक्के नून लीग हो? पक्के नून लीग ही। चलो हुणे संभाल लेने आ। हां चलो, अगर 10,000 ते नहीं मिला हनु वोट पाओ। हां तो 10 करोड़ भी देवे ते कदी सोची भी ना शेयर पाएगा। अच्छा पिछले महीने 70 खड़ी है प्लेटफार्म। जी जी, मैं तो 9 दे देना वा इमरान खान वोट। मैं तनु 2 देने वास्ते तैयार आ। कदी इमरान खान दा नाम ना चुकी साडे को। अच्छा जी। हां मैं सुन, मैं मलिक मुज्तबा एडवोकेट दा वालिद आ। अच्छा, और मेरा बेटा बचपन तो लेके हुण तक और जिथे तू खड़ा है ए मुस्तकिल नून लीग दा घर है। हां जी सर, असि मीडिया दे बंदे आ, असि तुहाडे लोकां नूं अजमाना है, असि तुहानूं अजमाना है कि तुसी किहनूं वोट पांदे हो। हुण कोई कसर रह गई मुल्क च जिहड़ी पूरी करन लगे आपां? अच्छा, नून लीग दी तरफों जिहड़ी होंडे दी ऑफर होई है, हां ओह क्यों फिर कीती गई है? जिहड़ा कि नून लीग नहीं मजबूत सी। ओ सुनो मेरी गल, सुनो ओ भी तुसी मीडिया दे उस गल नूं इन्ना कुछ चुक के किथे लै गए? सुनो, ओ मुख्तार जाट ने उत्ते लफ्ज़ बोलिया सी। अच्छा, एम एस साहबन जिवें नहीं हुंदे इस तरह, ओनूं तुसी जू चुक्या चुक समाना ते बिठा, जिवें इमरान खान बिठा दित्ता। ओ जिहड़े पिछे वीडियो वायरल होई सी पूरा उतरांगा मेरे सवाल चो ऑफर मेरे भाई मेरी गल सुनना, जे हुंडे लैके ते वोट देने तो तेनु बंदा डुब के ना मर जावे। नून लीग दी मुंह चुक जिन्हां कोई लफ्ज निकलिया होवे जिन तुस चुक उत्ते लै गए ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਵੀਡੀਓ? ਓਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਥੱਕ ਗਏ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਆ? ਕਿਹੜੀ? ਅੱਛਾ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ, ਬੇਟਾ ਠਹਿਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਰਖੁਰਦਾਤ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਮੋਨਸਲਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੋਨਸਲਾਈ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹ बिल्कुल चला गया है। किथे? मुस्लिम लीग नून ले। अच्छा, पीटीआई ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1-10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਜਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਿਪ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਹੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਰਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੇ। ਹੁੰਡੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰਸ਼ੋ ਦੇ ਜ਼ਿਮੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਨਵਾਸ਼ੀ ਨਵਾਸ਼ੀ ਇਮਰਾਨ ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੇ, अगर आप इमरान खान को वोट डालते हैं तो मैं आपको 1,000 रुपया दूंगा, तो फिर क्या कहते हैं आप? नहीं, 2,000 दूंगा नहीं, इमरान खान को वोट डाल नहीं।
3,000 नहीं 4,000 5,000 नवाज शरीफ क्यों वोट डाला है? नवाज शरीफ अच्छा है। क्या अच्छा बताइए? उसने सारा कुछ उसने बनाया, रोड उसने बनाए, पुल उसने, ये ओरियंट ट्रेन उसने बनाई, मेट्रो उसने बनाई। अच्छा बस तो इमरान खान की कोई अच्छी काम नहीं है? इमरान खान ने सिर्फ महंगाई की है। आप किसको वोट डालेंगे? वोट नियम अमन नवाज शरीफ। पक्की बात है, दिल से कह रहे हैं? अगर मैं आपको कहूँ कि अभी आप मुझसे 2,000 रुपए लें और इमरान खान को वोट डालना है तो 20,000 रुपए दे, मैं तेनु वापसी दे जाएगा। वोट नवाज शरीफ का। अच्छा वोट नवाज शरीफ का। हाँ। अच्छा मैं दसो उन्होंने नवाज शरीफ वोट पाना की ऐसी रीजन ही है, की ऐसी वजह? वैसे उन्हें सारे मनसूबे कट दिए ना, तो पिछे एक अयोध्या ही बचता है। अच्छा और कुछ नहीं उन्हें किया? मनसूबे दसो किन्ने तो बैक है और ट्रेन मेट्रो उन्होंने अपने पैसे नहीं बनाई है। इमरान खान मौका मिले सुने आप पैसे नहीं बनाना से कुछ वो भी बना देना। नहीं वैसे ऐसी यूनिट बनी है, कोई चीज बनी है ताड़े पैसे दे, साड़े पैसे दी बनी है। साड़े पैसे दे, लेकिन बना के दे दीती है ना। अच्छा बना के दीती है, ये भी था। इमरान खान ने कोई काम नहीं किया, सेल कार्ड वाला ए नवाज का प्रोजेक्ट सी, उन्होंने आपका नाम दिया है। हां जी तो साबित करो नवाज का किसका प्रोजेक्ट है? सी बस ऐसी पढ़िया पढ़िया किथे पढ़िया? फेसबुक पे। सर जी आप किसको वोट देंगे? इमरान खान को। अच्छा ये कहते हैं मैं नवाज को वोट दूंगा, ये अपना जमीर। अच्छा कोई अच्छा आप इमरान खान को वोट देंगे? नहीं इमरान खान को वोट दूंगा। अच्छा मुझे ये कहते हैं नवाज शरीफ सारे प्रोजेक्ट हैं, ये कह रहे हैं, ये याद करवा रहे हैं, मेट्रो और इन लाइन और पुल सड़कें। आप इमरान खान की कोई सिफत बताएं इनको, इनको पता चले कि इमरान खान क्या कर रहे हैं। इनके इसी प्रोजेक्ट की बात करूंगा। आप साथ हो 1200 अरब रुपया लगा के ये ऑरेंज लाइन बनाई है। अच्छा 2,00,000 बंदे यूज करते होंगे ना। अच्छा 1200 अरब से 1200 फैक्ट्रियां लग सकती थी। अच्छा और 1200 फैक्ट्रियों से 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना था और उन 1200 अरब रुपए से पाकिस्तान की इकोनॉमी कहां से कहां पहुंच जाती। अब ये सिर्फ 1,00,000 बंदा इस्तेमाल कर रहा है, वो भी लाहौर का, वो भी ठोकर के इस रूट का। और जो डेरा गाजी खान मुल्तान मुजफ्फरगढ़ में लोगों को रोटी नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा, उसका कौन जिम्मेदार है? ये तो यूज कर लेगा ना ये मेट्रो लाइन, डीजी खान वाले मेट्रो लाइन का क्या करेंगे, उनको क्या फायदा है इस मेट्रो लाइन का? जब उनकी हुकूमत आएगी आपको भी मिल जाएगी दोबारा। आप हुकूमत की बात ही नहीं है, कोई काम नहीं हुए, कोई काम नहीं हुए, हमारी तरफ तो है, इसलिए उसके गीत गाएंगे। बताओ ना इसको क्या करना है, इसको सहूलत है, इसकी हमें तो सहूलत है, बहुत सहूलत है। वही ना, आपको सहूलत है क्योंकि आप लाहौर में रह रहे हैं, ठीक है। अब मुझे बताएं आपके पास खाने के पैसे नहीं है तो आप मेट्रो पे चढ़ के क्या करेंगे? नहीं है पैसे। नहीं है। अगर आपके पास रोजगार नहीं है, रोजगार आपके नहीं, है। नहीं रोजगार कहाँ से? मैं रोजगार चला गया था। है? कोरोना आ गया। आपको पता है आप पढ़े लिखे हैं, इकोनॉमी 6.14 पे थी। अच्छा। आज इकोनॉमी -2 पे है। जैसे बात 16 महीने शहबाज शरीफ भी रहा है, उन 16 महीनों में इकोनॉमी कहाँ थी? डिफॉल्ट कर जाना था, अभी बचा हुआ है। अब तो बच गया। कौन किसने बचा हुआ है? कौन कहता है बचा हुआ है? बच गया ना। वो कौन कहता है बचा हुआ है? लोगों के पास रोजगार नहीं है। सबके पास रोजगार, किसके पास है? बताएं। है? सबके पास है भाई जी, बताएं जी इनको आप अलग करे, ये सबसे बड़ा इमरान खान आएगा तो सब कुछ हो जाएगा। मैं कहता हूँ कोई बंदा आ जाए, जो भी आए अल्लाह करे तालीम दे, तालीम ताकि लोगों को शऊर आए, लोगों को अपने जाती मफादात और जाती फायदे की बजाय अवाम के फायदे का पता चले। अवाम का फायदा करे, ये सबसे बड़ा पाकिस्तान का नुकसान है। 75 सालों में तालीम नहीं आई, जिस दिन तालीम आ गई ना उस दिन लोगों को पता चलेगा वोट देना किसको है। मियां साहब ने तालीम दी है? मियां साहब ने दी, क्यों नहीं दी? मियां साहब ने सही स्कूल दिया बच्चों को। आप वोट किसको डालेंगे? बब्बर शहर को, नवाशी को, नवाशी को। अगर मैं आपको ऑफर कराऊं कि आपने इमरान खान को वोट डालना है और मैं आपको 5,000 दूं, मैं पागल हूं। 10,000 दूंगा ऑन कैश यार, दुनिया मर जाएगी। मैं 10,000 ले लांगे ने कोरोना दे नाल आके बंदे बड़े मारे ने। मैं आपको 15,000 दूंगा अभी, बताएं वोट डालेंगे इमरान को? 20,000 बेशुमार करांगा। आप बताएं किसको वोट डालेंगे? मैं नवाज शरीफ को वोट दूंगा। मैं अगर आप इमरान खान को वोट डालते हैं तो मैं अभी आपको 10,000 रुपए दूंगा। मैं 1,00,000 रुपए भी देंगे मैं नहीं दूंगा, नहीं लूंगा आपसे। बब्बर शेर का काम बताएं, मियां साहब का काम बताएं। मियां साहब के ये दुनिया में सारे काम नजर आ रहे हैं। 2 रुपए की रोटी रख दी है मियां साहब। होंडो की ओफड़े, होंडो की ओफड़े, इलेक्शन होंडो की ओफड़े, होंडो की ओफड़े। नून लिखी हुई है कि पीटी हुई है? बताएं पहले।
पहले ये बात बताई मुझे तो कह नवाज शरीफ के दौर दो रुपए की रोटी बबर शेर जिंदाबाद पांच रुपए का सालन दस रुपए बंदा रोटियां अगर मियां साहब की जमात इतनी मजबूत फिर हम लोग लाड़े देने की क्या जरूरत थी इसी हलके से नवाज शरीफ ने इतनी प्यारी मेट्रो ट्रेन बनाई है हमारे पास अच्छा तो मैं वो दिया सेहत कार्ड दिया सहूलत कार्ड दिया ये आपको नहीं चल रहा हमें नहीं मिला आप कार्ड चेक कर लेते अपना मार के मुसलमान की बात की कौमे मुतदमा है वो कहा गई वो आज से पहले कभी किसने की थी नहीं तो फिर आपको ये काम नहीं पसंद आया नहीं हमें नहीं पसंद आया हमारे दीन का नबी सल्लम की शान के लिए उन्होंने मुकामे मुतदमा में वो अपील की इससे बड़ा कोई काम हो सकता है तो उन्होंने किया ना इससे पहले किसी कभी किसने किया दिल से बताएं किसको वोट देना इमरान खान को अच्छा इमरान खान को दिल से प्यार करते हैं अगर मैं आपको कहूँ कि मैं आपको 10,000 रुपए देता हूँ अपने नवाशी को वोट डाला है 15,000 20,000 चले 30,000 ले ले क्यों नहीं वोट डालेंगे बस अपनी मर्जी मेरा दिल नहीं, नहीं मेरी बात सुने मैं कोई इतनी बड़ी ऑफर दे रहा हूँ अच्छा चले फिर आप इमरान खान काम बताएं दिलेर आदमी है वो कह रहे हैं इमरान खान दिलेर आदमी है दिलेरी चोर है डाकू है बड़ा बड़ा सारा जहाँ से होंडो की ऑफड़े हुई लेकिन आपके सामने लोगों ने चीजें लेने से इनकार कर दिया हर बंदे की अपनी अपनी ख्वाहिश है कि वो इमरान को वोट डालते हैं या नवाशी को वोट डालते हैं अब आपने अपने कमेंटमेंट बताना है कि अगर मैं आपको प्लाईवुड 70 देता हूं तो आप इसको वोट डालेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए अपने हॉस्पिटल पर को जान दीजिए पाकिस्तान जिंदाबाद इंडिपेंडेंट पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस से आप बाखबर रह सकें।